बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी अब पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य नहीं होंगे। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन किया है, जिसमें आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं है। इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को संसदीय बोर्ड से बाहर रखा गया है। बीजेपी ने 5 सदस्यों का एक मार्गदर्शक मंडल बनाया है, जिसमें आडवाणी और जोशी को शामिल किया गया है। इस मार्गदर्शक मंडल में आडवाणी और जोशी के अलावा नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह भी होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी मार्गदर्शक मंडल में रखा गया है। ये पहले से अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद जो संसदीय बोर्ड होगा इसमें एक एज लिमिट रख दी जाए, इसमें शायद आडवाणी और वाजपेयी जी और मुरली मनोहर जोशी के नाम इससे नदारद हो जाएं, लेकिन अभी जो फैसला हुआ है उससे यह साफ हो गया है। पांच सदस्यों का मार्गदर्शक मंडल बना गया है और इसमें जो नाम है वो आपको हम बता रहे हैं। इसमें मोदी हैं, आडवाणी हैं, जोशी हैं, राजनाथ हैं और अटल बिहारी वाजपेयी हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, ये परंपरा रही है, जाहिर सी बात है। जो पार्टी अध्यक्ष होते हैं वही होते हैं। संसदीय बोर्ड में अमित शाह के अलावा मोदी, राजनाथ, जेटली, वेंकैया नायडू, गडकरी और अनंत कुमार भी शामिल हैं। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, पहले से उम्मीदें लगाई जा रही थी, सवाल पहले खड़े हो रहे थे कि शायद एक एज लिमिट रख दी जाएगी कि 75 साल के ऊपर कोई है वो नहीं होंगे। आडवाणी और जोशी के नामों को लेकर चर्चा पहले से हो रही थी, यानी कि अमित शाह ने अपनी कोर टीम जो है वो बना ली। बिल्कुल, ये कोर टीम है अमित शाह की से ज़्यादा नरेंद्र मोदी की है। जो तनातनी चल रही थी पिछले कई दिनों से, जब से नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ था तब से मोदी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के बीच एक तनातनी का दौर लगातार चलता रहा था, जो कि चुनाव तक चलता रहा। तो जाहिर तौर पर एक कारक वो भी हो सकता है उनके संसदीय बोर्ड से हटने का, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि मोदी के फैसलों में अड़ंगा कोई डाले। दूसरी बात, संघ का रिटायरमेंट प्लान, संघ, क्योंकि आपको याद होगा जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तभी ये संकेत दिए गए थे। ये भी कहा गया था कि 75 से ऊपर के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी और संघ ने भी कहा था कि इससे सीनियर नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए। तो जाहिर तौर पर एक रिटायरमेंट प्लान हो सकता है संघ का भी। और तीसरा जो सबसे अहम बात है, कोई एक युवा टीम अमित शाह की है पार्टी के अंदर। कम से कम वो अपने काम काज में कोई बाधा नहीं चाहते होंगे, वो कम से कम ये नहीं चाहते होंगे कि बुजुर्ग उनके कामों में ज़्यादा रोक टोक कर सकें। तो ये 2-3 फैक्टर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कारण बताए जा सकते हैं इन दो आला नेताओं को अलग रखने के। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि रिटायरमेंट प्लान नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया है इन दो बुजुर्ग नेताओं के लिए। एक और चीज़ यहाँ पर, ऐसी खबरें आ रही थी कि अमित शाह जो हैं वो चाहते हैं, उनका फंक्शनिंग का स्टाइल ऐसा है कि वो चाहते हैं कि ऐसे लोग हों जो कि उनके साथ काम करें, मिलकर काम करें, ना कि ऐसे लोग जो कि एडवाइज करें और फिर क्रिटिसाइज करें, निंदा करें और सिर्फ ज्ञान देते रहें। यहां पर वो दिखाई देता है, वो सब कुछ होता दिखाई दे रहा है इसमें। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, दोनों की कार्यशैली लगभग एक जैसी है, जहां बात कम काम ज़्यादा की वकालत दोनों करते आए हैं। जहां बातें कम करो और काम ज़्यादा करो, ये आप दोनों सरकार के कामकाज पर भी और पार्टी में भी कामकाज का पिछले कुछ महीने का रिकॉर्ड देखो तो कम से कम यही नज़र आ रहा है। और शायद यही कारण है कि कम से कम इतने सीनियर नेता जिन्होंने पार्टी को बनाया, जिन्होंने पार्टी को इस मुकाम तक पहुँचाया और जिनके साथ थोड़ी तनातनी भी हुई, अगर ऐसे नेता पार्टी के भीतर रहते हैं, संसदीय बोर्ड में, उसी संसदीय बोर्ड में रहते हैं जहाँ सारे अहम फैसले लेने होते हैं, संसदीय बोर्ड पार्टी की सबसे बड़ी सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था होती है, तो ऐसे में कोई तनातनी नहीं चाहता होगा और कोई आला नेता भी नहीं चाहता होगा। इसीलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड में 2 नए लोग जुड़े गए हैं, जिसमें एक जेपी नड्डा है और दूसरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भले ही था लेकिन वो बीमारी के कारण सक्रिय राजनीति से दूर हैं, लेकिन कम से कम लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को इस सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था से बाहर करके एक चीज तो दे दिया है पार्टी ने संकेत कि आने वाले दिनों के लिए 2019 के लिए नई पार्टी, नई टीम का गठन चालू हो गया है। नई टीम जो कि अमित शाह के साथ काम करे, अमित शाह की सोच के हिसाब से काम करे और नरेंद्र मोदी की सोच के हिसाब से काम करे। मैं एक चीज यहां पर अमित जी आपसे जानना चाहूंगा, एक जो बड़ा ही यहां पर साफ होती दिखाई देती है चीज, वो ये है कि पार्टी अब कड़े फैसले लेने जा रही है और कड़े फैसले ले रही है। एक, उसको पूरा इसके लिए समर्थन है। देखिए, मैंडेट तो मिल चुका है
लेकिन इसके लिए पूरा समर्थन भी मिल रहा है अगर हम बात करें संघ की। और दूसरी चीज जहां पर जो है वो ये है, अब पार्टी में सिंबोलिज्म कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल, सिंबोलिज्म कहीं दिखाई नहीं देगा अब, क्योंकि अब सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में है, वो है नरेंद्र मोदी। जनादेश, स्पष्ट जनादेश उनके नाम पर मिला है, भले ही संघ हो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो जिन्होंने देश भर में काम किया हो, लेकिन सबको पता है कि स्पष्ट जनादेश नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला है। तो जाहिर तौर पर इस स्पष्ट जनादेश के बाद कोई बिखराव की स्थिति फिलहाल नहीं आने देना चाहते, और नरेंद्र मोदी भी यही संकेत दे रहे हैं कि मिशन 2019 यानी अगले चुनाव की तैयारी में लगी है। इसीलिए आपने देखा होगा पार्टी के जितने मंत्री हैं उनको हर रोज़ एक ड्यूटी बांध दी गई है कि वो पार्टी कार्यालय जाएं, वो बारी बारी से पार्टी के कार्यालय जाते हैं, 2 घंटे कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। यही पार्टी सरकार के कामों में भी, अब सरकार का कोई, जैसे जनधन योजना की बात करें निशांत, जनधन योजना के लिए जो कमेटी बनाई गई थी सरकार के द्वारा, उसमें 3 मंत्री थे और 3 पार्टी के वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने मिलकर सारा कार्यक्रम बनाया है, और 28 तारीख को उसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री दिल्ली से। तो जाहिर तौर पर सत्ता और संगठन के बीच समन्वय का काम, और चुपचाप अगर पार्टी के नेता काम कर सकें इसी पर जोर देकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी टीम को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, खासकर ऐसी युवा टीम जिस पर भविष्य पार्टी जो जाके अपने इलाकों में काम कर सकें, क्षेत्र में काम कर सकें, 24 घंटे काम कर सकें, और साथ ही साथ उस लाइन पर चल सकें जो नरेंद्र मोदी ने जो रेखा खींची है। देखिए, ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है पूरी टीम तैयार हो चुकी है, नरेंद्र मोदी की टीम की अगर बात की जाए और दूसरी तरफ एक अमित शाह की टीम, मतलब एक ही टीम है अगर बात की जाए। मेरा सवाल एक यहाँ पर ये है, अब ये मार्गदर्शक मंडल क्या है? ये एक इज्जत से जो पार्टी के बुजुर्ग हैं पहले से जुड़े हुए हैं उनको एक जगह दी गई है, या इस मार्गदर्शक मंडल का कोई ऑपरेशनल काम भी होगा? एक शब्द होता है सेफ एग्जिट, ऑनररी एग्जिट, इसे कहा जा सकता है, क्योंकि मार्गदर्शक मंडल बीजेपी के संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। लगातार ये कहा जा रहा था कि अब लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाएं। आपको याद होगा आज से 10 साल पहले जब बीजेपी हारी थी, तब खूब सी सुदर्शन जो उस समय सरसंघ चालक थे उन्होंने कहा था कि अटल आडवाणी जैसे नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए, तब खासा बावेला मचा था और सुदर्शन को अपने कदम वापस खींचने पड़े थे तब के सरसंघ चालक को। तो जाहिर तौर पर इस बार कम से कम मोहन भागवत हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, सरसंघ चालक और सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, सीधा संवाद है सबके बीच में, इसलिए कोई बीच में रुकावट शायद नहीं आ रही है नरेंद्र मोदी के कामकाज में। कम से कम जो संघ है वो संघ की छाप पार्टी पर नजर आ रही है, संगठन पर नजर आ रही है, और सरकार चलाने का पूरा जिम्मा नरेंद्र मोदी पर छोड़ा हुआ है। तो जाहिर तौर पर अब सिंबोलिज्म नहीं है, अब कम से कम एक लकीर खींची जा रही है, और वो लकीर नरेंद्र मोदी खींच रहे हैं जिस पर चलना पार्टी को है, जिस पर चलना सरकार को है। यानी आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये मार्गदर्शक मंडल कम बल्कि जो वरिष्ठ दर्शक मंडल है वो ज्यादा है, क्या कहेंगे अमिताभ जी? देखिए, जब वरिष्ठ नेताओं मार्गदर्शक मंडल बनाया है तो जाहिर तौर पर उसमें राजनाथ भी हैं और नरेंद्र मोदी भी, तो जाहिर तौर पर राजनाथ और नरेंद्र मोदी के उस मार्गदर्शक मंडल में होने का मतलब यह है कि कम से कम दो बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया संसदीय बोर्ड से, उनके अहम को चोट न लगे, और कम से कम ये लगे कि ये मार्गदर्शक मंडल में जिसमें मोदी भी हैं राजनाथ भी हैं वो पार्टी के को का मार्गदर्शन करता रहेगा आने वाले दिनों में। तो जाहिर तौर पर फैसलों में भले ही ये लोग सहभागी न बने निशांत, लेकिन मार्गदर्शन के लिए कम से कम इन दोनों नेताओं के कंधों पर जिम्मेवारी पार्टी ने दी है, कम से कम नरेंद्र मोदी ने इतना सोचा है। अमिताभ जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अक्सर एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो क्रिकेट में कहा जाता है कि ओपनिंग बॉलर जो होते हैं वो पेयर्स में हंट करते हैं, अक्सर बहुत पहले से कहा जा रहा है, जो जोड़ियाँ होती है वो हमेशा वही जो आगे लेके जाती हैं। एक ज़माने में आडवाणी और वाजपेयी की जोड़ी थी, यहाँ पर अमित शाह और मोदी की जोड़ी है, लेकिन अब जब ये चीज़ सामने आ गई है बीजेपी संसदीय बोर्ड की जो पूरी स्थिति सामने आ गई, उससे ये कहा जा सकता है कि अब ओवरऑल जो कंट्रोल है और ओवरऑल जो जिसको कहा जाता है पूरा प्लेटफॉर्म और आज़ादी दे दी गई है इस जोड़ी को, ये बात समझी जाए? बिल्कुल बिल्कुल निशांत, इसमें अब कोई शक और शुभा नहीं रहा है, और की पूरी कमान अब नरेंद्र मोदी के हाथ में है और पार्टी की कमान अमित शाह के हाथ में है, यानी कि चाबी पूरी अब नरेंद्र मोदी के हाथ में ही है, क्योंकि अमित शाह उनके काफ़ी करीबी और उनके सिपहसालार माने जाते हैं, और पिछले कई सालों से गुजरात में इस टीम ने काम दिखाया है, अब पूरे देश में दिखाना है। अभी 4 राज्यों में विधानसभा है जो इनकी, जहाँ इनकी पहली परीक्षा होगी। एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे सहयोगी अमिताभ जी बता रहे हैं आपके सामने, और ये खबर यह है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड से त्रिमूर्ति गायब हो चुके हैं, अटल, आडवाणी और जोशी, तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या होता है संसदीय बोर्ड, इसका क्या काम होता है, किस तरीके से संसदीय बोर्ड आगे बढ़ता है, किस तरीके से चीजों को सामने लाई जाती है, क्या रोल होता है, क्या फंक्शनिंग होती है, अमिताभ जी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें।
देखिए संसदीय बोर्ड 12 सदस्यों का एक बोर्ड होता है जिसमें जो पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था होती है निशांत, इसमें पार्टी के तमाम आला नेता होते थे जो पार्टी की नीति का निर्धारण करते थे, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाना हो या किसी राज्य में पार्टी का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना हो या फिर पार्टी के कैंडिडेट्स का चयन हो। चुनाव समिति के साथ साथ संसदीय बोर्ड के सदस्य भी वहां पर जरूर मौजूद होते थे, तो पार्टी की तमाम नीतियों के पीछे ये संसदीय बोर्ड होता था। अमिताभ जी, मैं एक चीज यहां पर आपसे जानना चाहूंगा, एक चीज समझना चाहूंगा और एक आम दर्शक के लिए समझना चाहूंगा। संसदीय बोर्ड में पार्टी अध्यक्ष प्लस एक जनरल सेक्रेटरी और उसके अलावा 10 मेंबर, यही है कॉम्पोजिशन? देखिए अभी फिलहाल ये है, लेकिन अभी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको सदस्य बनाए, क्योंकि इसमें अब आप देख रहे हैं महासचिव के रूप में अगर रामलाल संगठन महामंत्री हैं वो इसमें मौजूद है, अनंत कुमार जो पहले महामंत्री थे और संसदीय बोर्ड में थे मंत्री बन चुके हैं संसदीय बोर्ड में हैं, थावरचंद गहलोत, तो पिछली पूरी की पूरी टीम है, अटल वाडवानी और जोशी तीन नाम गायब हैं और तीन नाम जुड़ गए हैं, अमित शाह का नाम जुड़ा है जो अध्यक्ष के तौर पर हैं जो अध्यक्ष रहेंगे, जेपी नड्डा का नाम जुड़ा है जो महासचिव हैं और पिछले कई सालों से पार्टी के लिए पर्दे के पीछे काफ़ी संगठन का काम करते नजर आ रहे हैं, और तीसरे जो नए एंट्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिनका कद काफ़ी बढ़ा है तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद। आपको याद होगा जब 2004 की बात है जब शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड में बतौर महासचिव हुआ करते थे और तब सचिव भी थे वो संसदीय बोर्ड के, तो जाहिर तौर पर दो नई एंट्री है, युवा पीढ़ी के हाथ में कमान है, लेकिन कम से कम जेटली सुषमा जैसे तमाम नेता पार्टी में हैं संगठन में हैं और संसदीय बोर्ड में भी हैं, कम से कम दूसरी कतार के हाथ दूसरी कतार अब पहली कतार बन गई है, ये इस बात से साफ जाहिर हो गया है। निशान, मैं यहां पर आपसे समझना चाहूंगा, ये जो एक एंट्री हुई है शिवराज चौहान की, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए शिवराज सिंह चौहान का कद काफ़ी बढ़ा है, पिछले तीन चुनाव में जो मध्य प्रदेश में जो सफलता दिलवाई है उन्होंने, लगातार अपने नाम पर चुनाव जीते हैं, संगठन के लिए काम करते रहे हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तो जाहिर तौर पर एक शिवराज सिंह चौहान, एक पिछली बार भी उनका नाम चला था कि संसदीय बोर्ड में आएंगे लेकिन तब सिर्फ नरेंद्र मोदी आ पाए थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के बढ़ते कद का ही कहा जा सकता है कि उनकी एंट्री जो हुई है, एक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहले थे, अब एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बोर्ड में है। जी एक सवाल, बड़ा जाहिर सा सवाल है मेरे मन में और ये हर एक के मन में भी होगा, वाजपेयी जी की तो तबीयत खैर ठीक नहीं है लेकिन त्रिमूर्ति गायब हुए हैं और दो इसमें नाम बड़े प्रोमिनेंट हैं, एक नाम है आडवाणी जी का और दूसरा नाम है मुरली मनोहर जोशी जी का, तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बीजेपी का जो संसदीय बोर्ड है, संसदीय दल जो है वो कैसा होगा, ये अब आपको दिखाते हैं। ये सबसे पहले आपके सामने, यहां पर जो आपके सामने जाहिर सी बात है, अमित शाह, मोदी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, आनंद कुमार, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, ये संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड में होंगे, ये ऐसा होगा संसदीय बोर्ड, तीन नाम इसमें से गायब है और यहां पर सीधे आपको दिखाते हैं आखिर क्या क्या यहां पर तब्दीलियां हुई हैं। तीन नाम जो गायब हैं वो वाजपेयी, आडवाणी और जोशी, अमित शाह अध्यक्ष होंगे बीजेपी का नया संसदीय बोर्ड, नरेंद्र मोदी जाहिर सी बात है, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, आनंद कुमार, थावर चंद गहलोत, शिवराज सिंह चौहान, इनकी एंट्री हुई है संसदीय बोर्ड में, जेपी नड्डा, इनकी भी एंट्री हुई है संसदीय बोर्ड में, रामलाल, ये है संसदीय बोर्ड हम आपको जो दिखा रहे हैं, यहां से तीन नाम गायब हो गए। अभी तक जो रहा है वो इक्वेशन ये रहती है कि अध्यक्ष, एक जनरल सेक्रेटरी और 10 मेंबर, तो अध्यक्ष यानी अमित शाह ये आए हैं और तीन लोग जो गए हैं वो नाम भी हमने आपको बता दिया, वो है अटल बिहारी वाजपेयी का, मुरली मनोहर जोशी का और एल के आडवाणी।